आप सब लोग जो बड़े हैं उनको सत श्री अकाल नमस्ते, और जो छोटे हैं उनको कैसे हो छोटो। तो आज बाप और बेटी एक छोटी सी राइड के लिए जा रहे हैं, करनी थी बड़ी राइड लेकिन आज गाड़ी का कॉन्सेप्ट चेंज करना था, इसके लिए टाइम नहीं मिल पाया। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सो लेट्स बिगन दोस्तों, आपको तो मैंने बता ही दिया कि आज बाप बेटी निकले एक छोटी सी राइड के लिए, और कुछ शॉट्स लेने थे। तो चलते हैं हाईवे की तरफ। यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है मेरे घर से जब निकलते हैं, तो थोड़ा सा। बस एक ही मिनट में आ जाएंगे हम लोग अच्छे रोड पे, डबल रोड पे। एक मिनट और है। आज एक्चुअली राइड करनी थी लेकिन राइड के लिए टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग में निकल गया था। गाड़ी का कोन सेट चेंज करना था, स्टेयरिंग हल्की सी वॉबलिंग करती थी, तो उसके लिए उसका कोन सेट चेंज करवा दिया आज। तो मैं बोला चलो आज तो जाने दो, देखेंगे नेक्स्ट संडे करेंगे राइड। तो इसलिए मैंने चलो आज एक फ़िलहाल एक छोटी सी राइड का वीडियो तो ले ही लेते हैं। और ये हम आ गए हैं अच्छी वाली, और हमने ये टच कर लिया अभी। ये अच्छा वाला रोड है, ये स्ट्रेट रोड अभी न्यू बन रहा है, ये जाता है डायरेक्ट टू टीट वाला निकलेगा। चलो देखते, तो दोस्तों गाइस ये जो रोड है ये न्यू बन रही है दुर्गाड़ी टू टीटवाला कनेक्ट के लिए। तो कोई कोई पैच में रोड बन चुकी है और कोई कोई पैच में रोड का काम चालू है, इसके लिए ये फुल फ्लैश में नहीं चालू है रोड। तो फ़िलहाल तो लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और रात में यहाँ पे बैठते हैं अच्छे से, कुछ टाइम पास करना है, बातचीत करने के लिए। और कई लोग हैं यहाँ पे आके राउंड वगैरह मारते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा स्ट्रेट और ले जाता हूँ यहाँ से। एंड तक जाके आते हैं, देखते हैं। बेसिकली ये एरिया को गांधार नगर बोलते हैं, के एम अग्रवाल कॉलेज के आसपास है ये एरिया, कल्याण वेस्ट में। छोटी सी राइड है दोस्तों, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, एक आधा घंटा या 10-15 मिनट की। मैं बोला चलो गाड़ी की कौन सेट चेंज की है तो थोड़ी टेस्टिंग भी कर लेते हैं रास्ते पे, पता चल जाएगा कि अभी वो पहले जैसी वॉबलिंग है गाड़ी में या नहीं है।
पहले भी इतनी खास वॉबलिंग नहीं थी, थोड़ा सा स्टेयरिंग हार्ड हो गया था इसका। ये रोड का वापस से हम लोग बाहर आए हैं आपको दिखा के। शुरू हो जाता है हमारा गांधारी जो फ्लाईओवर है। काफ़ी सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, खानदेशी, रिवाइज व्यू, फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर शॉप्स भी है यहाँ पे। और ये गांधारी का हमारा फ्लाईओवर शुरू यहाँ से हो जाता है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। ये जो रोड है ये डायरेक्टली आदरवाड़ी सर्कल से शुरू होता है और ये कनेक्ट होता है नासिक हाईवे पड़गा में ये जाके कनेक्ट हो जाता है बिफोर टोल, जो नासिक मुंबई से नासिक जाने के टाइम पहला टोल लगता है ना, तो ये जो रास्ता है उसी के पहले जाके हाईवे पे कनेक्ट हो जाता है। मतलब कल्याण से टूवर्ड्स अगर नासिक जाना है तो ये रोड शॉर्टकट पड़ता है। मे बी 7 to 8 किलोमीटर शॉर्टकट है ये रोड। लेकिन फिलहाल कैसा है कि ये रोड का आगे से कुछ काम चालू है। जो गांव एरिया आता है, बाप गांव एरिया है आगे, यही मतलब बाप गांव ही अभी लग गया, और आगे जाके जो बाप गांव का मेन एरिया आता है वहां पे थोड़ा रोड का काम वगैरह चालू है। और ये है अपने राइट साइड में ग्रीन स्पाइस, ये भी आफ्टर ब्रिज आता है, बहुत अच्छा है। मैं भी एक बार फैमिली के साथ यहाँ पे आया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, फूड वगैरह बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे चल रही है क्रिकेट चालू है भाई, क्रिकेट नहीं, अपनी लोकल मैच गौरीपाड़ा वगैरह की कोई टीम है और उसी टीम का तो नाम पता नहीं, लेकिन ये है अपना जैसे गांधारी का ब्रिज उतरते हैं उसके आगे थोड़ा ये जो आता है जय मल्लार करके, राइट हैंड साइड में उसके सामने ये ग्राउंड है, वहाँ पे ये मैच चल रही है। अब वो दिन चले गए भाई हमारे क्रिकेट खेलने वाले। यार दिन तो यार बाइक चलाने वाले भी नहीं थे ना, तो वीडियो बनाने वाले थे, ये तो बच्चों ने फोर्स कर लिया तो चलो बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि टू व्हीलर वगैरह में मुझे काफ़ी पहले से मतलब एक्सपीरियंस है ना, स्टार्टिंग से काफ़ी मतलब बाइक वगैरह बहुत चलाई है। तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे तो बताया बच्चों को भाई ऐसे ऐसे हम लोग बाइक चलाते थे, यहाँ वहाँ जाते थे। तो फिर वीडियोस वगैरह जो अभी लेटेस्ट यूट्यूबर्स जो है जो ट्रैवलिंग करते हैं तो उनके वीडियोस वगैरह देख रहे थे, तो बच्चे ने बोल दिया भाई आप भी करो। मैं बोला भाई अभी इस टाइम पे क्या वीडियोस बनाने क्या करना है, तो बोलते नहीं नहीं करेंगे। मैं बोला चल ठीक है यार, संडे वैसे भी छुट्टी रहती है, बोला संडे वाले दिन थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगी, तो देखते क्या होता है। और अपनी YouTube फैमिली कितनी बड़ी होती है, अभी तो फ़िलहाल मेरे यहाँ पे 90 सब्सक्राइबर्स हैं। और दूसरी बात, एक और बात मुझे शेयर करनी थी आप सबसे कि जैसे कि अभी मैंने जो व्लॉग्स बनाना शुरू किया है, ये मेरी 200 सीसी बाइक है, 200 सीसी पल्सर AS 200 एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये 200 सीसी से मुझे अपग्रेड करना है 400 टू 600 टू 1000 सीसी। तो अब ये कैसे होगा ये तो सब सब्सक्राइबर्स के हाथ में है, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल उतना ज़्यादा मैं आगे और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ बाबा मुझे भी कोई देखता है तो चलो यार और वीडियो बनाएंगे। ये तो चलो अभी फ़िलहाल शुरुआत है तो छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे तो मैं अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ प्लानिंग चल रही है कि एक्शन कैमरास वगैरह लेने के लिए। ये रोड अभी मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया दोस्तों, ये रोड जाता है डायरेक्टली सोनाले गांव की तरफ। सोनाले गांव ये भी एक रोड है जो कि सोनाले गांव निकलता है भिवंडी,
वो स्ट्रेट जहाँ से हमने लेफ्ट लिया वो डायरेक्टली पड़गा की तरफ निकलता है, और जिसे शंगरीला के पहले जाना है तो वो इस रोड से जा सकता है। लेकिन ये भी रोड थोड़ा सा मतलब ख़राब है, पैची है फ़िलहाल। ये यहाँ से यहाँ तक तो थोड़ा सा डबल रोड किया हुआ है इन्होंने, कंपनीज वगैरह है यहाँ पे तो डबल रोड करके रखा फ़िलहाल। ये यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह है, ज़्यादा नहीं है, 500 मीटर्स का पैच है जो इन्होंने डबल रोड किए हैं यहाँ पे। नहीं तो पहले ये सिंगल रोड हुआ करती थी, मतलब एक बाइक जा रही है और सामने से कार आ रही है तो मतलब दूसरी कार को पास लेने के लिए मतलब रुकना पड़ता था यहाँ पे। लेकिन अभी कैसे है कि डबल रोड कर दी है तो गाड़ी आराम से निकल जाती है। लेकिन ये थोड़ा ही है, मतलब वो सामने आपको जो बाइक आती हुई दिख रही है ना, जहाँ लाइट चालू बस वहीं तक है, क्योंकि ये वेयर हाउस वगैरह बने ना ये यहाँ पे, बस जब तक यहाँ तक ये वेयर हाउस है बस ये रोड ही वहीं तक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से यू टर्न करते हैं और कुछ थोड़ा पीछे रुक के ना एक बाइक के शॉर्ट्स वगैरह लेते हैं।